फंटास्कार्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। हेलो गेमर्स, माय नेम इज वेबो, वेलकम बैक टू अदर न्यू एपिसोड ऑफ काफूसिल सिमुलेटर। इन द लास्ट एपिसोड आपको याद होगा हम लोगों ने एक जी वैगन को बाय करा था और उसको बेचा था, एंड आज के एपिसोड में हम थोड़े से और कार्स को बाय करने वाले। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बोला था, आज हम थोड़ा सा ऑक्शन में भी जाएंगे। मतलब वहाँ पे जो है हमारे जस्ट लेफ्ट साइड में वहाँ पे एक ऑक्शन भी होता है, वहाँ पे एक्चुअल कार्स आती है, उनको ऑक्शन किया जाता है। तो आज मैं ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट करूँगा और हम वहाँ पे कोई कौनो अच्छी सी कार बाय करने की कोशिश करेंगे। मतलब यार बोली लगाने में मज़ा आता है। तो सबसे पहले हमको आज ऑफिस को ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कूड़ा पड़ा है, कूड़े को सबसे पहले यहाँ पे ट्रैश करते हैं, ऑफिस को ओपन करते हैं। हम ऑफिस ने भी ओपन मतलब आ चुके हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि नेबरहुड में ही जाते हैं, वहाँ पे ही जाके हमको कोई गाड़ी मिल जाएगी। मेरे पास वैसे $17,000 है, तो अच्छी खासी कोई गाड़ी मिलनी चाहिए मुझे। आई थिंक हम 10,000 के आसपास कोई कार परचेस करने की कोशिश करेंगे। इस बार ना इधर चलते हैं, हाँ इस बार इधर से कोई गाड़ी लेके आते हैं। इधर भी आई थिंक काफ़ी सारे लोग होते हैं ना। हाँ भाई, इधर भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, मेरे पास भाई एक ही जगह से गाड़ी हमेशा परचेस करता था। हाँ ये बढ़िया लग रही है। हेलो मैम, हाँ भाई मेरे को ये गाड़ी चाहिए, लॉर्ड स्कॉट क्लासिक नाम है इसका। ये एक्सपर्टीज़ क्या होता है एक्सपर्टीज़? ये ओ भाई ये $21,000 मिल रही है। ओ भाई काफ़ी महंगी है वो। यहाँ पे भी एक ट्रक है, ये ट्रक भी यार बढ़िया लग रहा है। आई थिंक फोर्ड का ट्रक होगा ये, लेट्स सी। काफ़ी महंगा हो गया यार, मतलब काफ़ी प्यारा तो लग रहा है। वॉन्ट टू बाई दैट ट्रक। हेलो सर, हाउ आर यू? डोज आर पिकअप नाम है इसका, पिकअप है ये। ओ एक सेकेंड, $14,000 में मिल रहा है। ओ भाई वी कैन बाय दैट, डर्टी है थोड़ा सा, फ्यूल नहीं है, पेंट बिल्कुल नहीं है, तो बार्गेन करके एक बार देखते हैं। कितना ये 14, ये 12,000 में सर प्लीज़, 12,000 आई थिंक दैट्स अ गुड ऑफर। योर ऑफर इज़ लो। अरे यार 13,000, फिर 13,000 में तो डन कर दो, नॉट सेटिस्फाइड। अभी कितना फिर ये कितना बोल रहा है, नहीं हो रहा है। एक सीन हो गया, ओ हो गया। भाई मैंने गलती से एक्चुअल प्राइस में ही बाय कर लिया, बट इट्स ऑल राइट गाइज, हमने एटलीस्ट ट्रक तो बाय कर लिया। काफ़ी प्यारा सा छोटा सा ट्रक है, मुझे पसंद आया है ट्रक, सो दैट्स वाई ये ट्रक को भी हम थोड़ा सा रिनोवेट करके बेचेंगे। सबसे पहले इसको वॉश करवाते हैं, काफ़ी सही में यार मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। ट्रक चालू है, नो प्रॉब्लम, अभी सीधा इसको वॉश करवाते हैं, थोड़ा सा हम रिपेयर वगैरह करेंगे एंड देन हम इसको बेचेंगे काफ़ी अच्छे खासे पैसों में। अभी सबसे पहले इसको वॉशिंग सेंटर में ही लेके चलते हैं, और मुझे ना 11 बजे से पहले इसको बेचना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऑक्शन में भी जाना है वापस। ओ 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी खासी स्पीड भी है ट्रक की। इसका एक बार मेरे को इंटीरियर देखना था। इंटीरियर के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। नो, आई थिंक ऑक्शन भी गाइस शुरू होने वाला है। यार गाइस ऑक्शन आई थिंक शुरू हो चुका है। अरे भाई शुरू हो गया ऑक्शन, कौन सी गाड़ी है एक बार चेक करते हैं। इधर रुक भाई, अभी एक बार जाके ही देखते हैं। वाह काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई है, ये कौन सी गाड़ी है वैसे? यहाँ पे इसका तो मासा, ओ भाई $43,000 में, बहुत महंगी है। और ये भी कोई गाड़ी है, ये भी आई थिंक यार महंगी होंगे। मतलब यार एक सेकंड भैया, बिड $13,000 से शुरू हुई है, ये काफ़ी दूर तक जाएगी, काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर बिड लगाएंगे ना, सो दैट्स वाई। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे यार लगा तब तक हो जाएगा हमारा काम, मुझे वेट करना पड़ेगा। ऑक्शन में काम करने के लिए गाइस हमारे पास ना बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तभी जाके हम ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। $16,000 की बिड लग चुकी है इस कार के लिए। ओके, तो धीरे धीरे हमको ना बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, तब जाके हम कार को पा कर पाएंगे। और देखो ये 16,000 में बिक गई। ओह भाई लैम्बोर्गिनी टाइप की गाड़ी है ये, वाह बहुत सही है भाई। और इसकी बिड भाई $3,00,000, भाई ये तो औकात से बाहर ही है, मतलब $3,00,000 से इसकी बिड स्टार्ट हुई है। ओह भाई बट यार ये वाली कार हम लोग ना इजीली परचेस कर सकते थे। ठीक है, अभी हम इस स्ट्रोक को थोड़ा सा बेचेंगे, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बट यार ये लैम्बोर्गिनी ये देखते हैं कितने में जाती है। $4,00,000 की बिड लगी है भाई। ओ इसने $4,00,000 की बिड लगाई, ओ यही बिड लगा रही है, आई थिंक इसी को ये गाड़ी चाहिए। और ये बिड लगभग 8,000-6,000 से बढ़ रही है भाई, काफ़ी सारे पैसे चाहिए होंगे। मतलब जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना, तब डेफिनेटली हम ये कार्स के ऊपर भी बिड लगाएंगे और काफ़ी सारी कार्स को परचेस करेंगे। बट अभी के लिए तो हमको रोजी रोटी चलाना है भाई, मतलब पैसे नहीं है बस मेरे पास, खाली बस $3,500-3,000 ही है। अभी मुझे इस कार को रिपेयर भी करवाना पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़े से पैसे स्पेंड हो गए। और $4,45,000 ये कार बिक गई है। और अभी एक और गाड़ी आई है, इसका बेस प्राइस कितना है? योको नाम है गाड़ी का, 20,000 बेस प्राइस है। यार नहीं वी कैन डू दैट, अभी तो हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम थोड़ा सा, या इसी एपिसोड में अगर पैसे आ गए तो हम ऑक्शन करने की कोशिश करेंगे। सर प्लीज़ गाड़ी को जल्दी से वॉश करवा दो, ज़्यादा गंदी नहीं है वैसे, बट
$50 में आई थिंक हो जाएगा। तो अभी कितना टाइम लगेगा? ओके, ये जल्दी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा डर्टी नहीं थी। तो वॉश कर दिया मैंने इसको, इसके अंदर अभी थोड़ा सा फ्यूल भी भरवाएंगे और फिर थोड़ा सा रिपेयर करके इसको एटलीस्ट बेचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। एंड इसके बाद मैं उस रेड बार में गाइस वापस जाना चाहता हूँ, तो मतलब वो पत्ते खेलने के लिए वहाँ पे मैं भी हम यू नो मतलब यार अगर जीत जाते तो पैसे सीधा डबल हो जाते हैं, अगर मैं 5,000 की बेट लगाऊंगा तो सीधा 10,000 मिल जाते हैं। सो वहाँ पे हम यू नो अपना आज लक ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मेरे को वैसे पत्ते खेलना तो आता नहीं है बट स्टिल वी आर गोइंग टू ट्राई दैट। तो अभी यहाँ पे कार अपनी पूरी वॉश हो चुकी है, लेट्स गो, कार के अंदर एंटर करते हैं और इसको यहाँ से जल्दी से बाहर निकालते हैं। और फ्यूल इसके अंदर है तो थोड़ा सा मैं फ्यूल डलवाने की सोच रहा हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा सा फ्यूल डलवाते ही, अभी मैंने ये वाले पेट्रोल पंप से फ्यूल कभी डलवाया नहीं है, या फ्यूल स्टेशन से। या परफेक्ट, ऐड फ्यूल। वाओ, ओ फुल कर दिया भाई, पता नहीं कितने पैसे हो गए बट फुल कर दिया मैंने कार का फ्यूल। अभी कार के अंदर वापस से बैठते हैं और अभी उधर से बैठना होता है, लेट्स गो। एंड अभी सीधा कार को रिपेयरिंग के लिए थोड़ा सा रिपेयर करवाना पड़ेगा। प्लीज़ गाड़ी को एक बार रिपेयर कर दो, कितना कॉस्ट आएगा? 43। ओके, ज़्यादा नहीं यार, मुझे लगा ज़्यादा हो गया है, बस इसका फ्रंट बम्पर ही थोड़ा सा डैमेज है, तो ये फ्रंट बम्पर तो इजीली रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद आई थिंक उसको थोड़ा सा पेंट वगैरह करना चाहिए मुझे। हो गया जल्दी भाई, कार तो इजीली रिपेयर भी हो गई। गाड़ी को भी गाइस मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया, इंजन को ऑफ करते उतरते गाड़ी से। अब इसके कुछ फ़ोटोज़ खींचने पड़ेंगे हम लोगों को, ये आते कैमरा में, इधर के कुछ इसके एंगल्स हम लेंगे, ये क्लिक कर दिया सेव। गाड़ी के कुछ इंटीरियर के भी होने चाहिए, इंटीरियर यहाँ पे इसका, या भाई पूरा तो ब्लैक ही दिख रहा है। फ्रंट साइड से भी थोड़ा सा लेते हैं ऐसा, नाइस, ये फ़ोटो बढ़िया लग रहा है और एक पूरा ऐसा एंगल में। तो या फोटोज़ मैंने इसके खींच लिए, पुट इट ऑन सेल, अभी इसको सेल पे लगा के देखते क्या होता है। आई होप ये अच्छे खासे दामों में भी बिक जाएगी। ऑक्शन आई थिंक गाइस अभी ख़त्म हो गया होगा। हाँ यार, ऑक्शन ख़त्म हो गया, ऑक्शन में टोटल 4 कार्स ही आती है हर बार, तो ठीक है। अभी यहाँ पे हमने कार को तो यहाँ पे लगा दिया है, तो देखते कोई कस्टमर आता है कि नहीं। और जब तक कोई कस्टमर नहीं आ रहा, ऑफिस इज डर्टी, एक सेकेंड भाई, कैसे ऑफिस डर्टी कैसे है, कुछ कहीं पे पड़ा है क्या? लेट मी चेक, अगर ऑफिस डर्टी है तो थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। या फर्स्ट कस्टमर गेमर्स आ चुका है और अंधेरा हो गया। अरे यार, अंधेरा होने के बाद ये गायब हो जाएगा ना। वेट, विन से बात करके देखते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू, हाउ अबाउट कार, इनका प्राइस क्या है? आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, वेट, ये प्राइस पे करने के लिए तैयार है। ओके देन थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं। हाउ अबाउट $22,000? दिस प्राइस बॉदरिंग मी, इज देयर एनी लोवेस्ट प्राइजिंग? फिर 21,000, दैट्स अ गुड प्राइस। ओ आई थिंक, ओ आई नीड टू थिंक, नहीं, शी इज़ नॉट रेडी, बेस प्राइस से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। ठीक है भाई, ले लो फिर सेल। $19,000 में हमने कार को भेज दिया। ओके भाई, तो रात होते होते हमने फाइनली कार को भेज दिया और इससे काफ़ी अच्छा खासा वैसे प्रॉफिट हो गया, लगभग $5,000-6,000 का प्रॉफिट हो गया। वैसे अंधेरा हो गया तो अभी वापस से अपने कंटेनर में जाके सोते हैं। एंड अभी इस बार ना मैं वो मार्केट प्लेस में जाके कोई कार मतलब परचेस करने की कोशिश करूँगा, तो वापस आ गए अपने घर पे, सो लेते हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा भी हम ऑफिस में मतलब पैसे आ गए तो थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह क्यों ना करें? या नहीं यार, डेकोरेशन नहीं करते हमको, आई थिंक कार के ऊपर ही पैसे स्पेंड करने चाहिए ताकि हम थोड़े से और पैसे कमा सकें। और वैसे मैं अभी सोच रहा हूँ जैसे सुबह हो जाएगी हम थोड़ा सा रेड बार में जाएंगे, वहाँ पे जाके थोड़े से पत्ते खेलते हैं, अपना लक को आजमाते हैं। लास्ट टाइम मैं काफ़ी सारे हार गया था भाई, तो कहाँ पे, ओके ये रेड बार आ गया। मतलब प्रॉब्लम क्या होता है बताइए, यहाँ पे यू नो पैसे या तो हमारे जीरो हो जाते हैं या डबल हो जाते हैं। वैसे मतलब बढ़िया है बट थोड़ा सा ये, ओ एक इधर भी बेगर बैठता है भाई, इसका हर रोज़ का आई थिंक ये। तो अभी एक काम करते हैं, लास्ट टाइम इस टेबल पे खेला था, अभी इस टेबल पे खेलते हैं। वो मैं 10,000 से भी शुरू कर सकता हूँ? नहीं यार, इतना नहीं, 1,000 से शुरू करते हैं, 1,000 आई थिंक दैट वुड बी गुड। तो अभी स्टार्ट हो गया, मेरे पास 7 आ गया, उसके पास 3 आ गया, क्वीन आ गया, उसके पास मेरे पास 7 और क्वीन है। तो ये हिट का मतलब एक और पत्ता दिखाओ और स्टैंड का मतलब तुम्हारे पत्ते दिखाओ। तो मेरे पास क्वीन है तो स्टैंड करता हूँ मैं। नहीं, ऐसा मतलब नहीं, कुछ अलग सीन है इसका, एक सेकेंड, वेट भाई यार, सीरियसली यार समझ नहीं आ रहा मेरे कैसा गेम होता है। वापस से कोशिश करते हैं, 1,000 मेरे पास, 3 आ गया उसके पास, ओ भाई 1 आ गया उसके पास, तो हिट करते, 3 आ गया मेरे पास, उसके पास 1 है भाई मेरे पास 3, ओके एक सेकेंड, मेरे पास डबल 3 है, एक और बार हिट करते फिर क्वीन, ओह एक सेकेंड, अभी तो मेरे पत्ते अच्छे हैं भाई, ये कैसे होता है यार, मेरे को कोई बताएगा? मेरे को ना इसका कोई ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में कैसे होता है। 6 आ गया उसके पास, 6 है, 5 आ गया, अभी
11 आई थिंक नेक्स्ट पत्ता है मेरा, तो हिट करते। ओ भाई एक आ गया, अभी अच्छे पत्ते स्टैंड करते फिर। यस विन हो गया। ओ भाई 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 ओके ओके ओके, धीरे धीरे आई थिंक मुझे सब कुछ समझ नहीं आया, बट या हम एटलीस्ट जीत तो गए। तो अभी वापस से 1000, मतलब यू नो कम पैसों से ही खेलते हैं, 2000 अगर डबल हो जाएगा तो भाई मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा खेल के देखते हैं। ओके डबल 5 आ गया मेरे पास, तो हिट करते हैं। ओ जे आ गया स्टैंड, अभी आई थिंक जीत जाएंगे हम लोग। नहीं लॉस्ट हो गया, 5 लॉस्ट, नहीं आई एम मैं इधर से जा रहा हूँ भाई। ओ भाई आके मैं 6000 हार के यहाँ से चला गया भाई, ये बहुत डिफिकल्ट है। मुझे ना थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है नो प्रॉब्लम। जितना मैंने प्रॉफिट कमाया था सारा प्रॉफिट मैंने मतलब भी हार गया। अभी कार मार्केट वैसे ओपन है, तो कार मार्केट में भी जाके कोई कार देखते हैं। अभी यहाँ पे कोई अच्छी सी कार होगी हम उसको बाय करेंगे। ये गाड़ी 5000 में ही मिल रही है। ओके इसका एक्सपर्टीज़ देखते हैं क्या होता है। एक्सपर्टीज़ मेरे को यार चेक करना है क्या होता है। चेक इसका आई डी है 68 yen, आई मीन कैपिटल एन है। चेक वाओ एक सेकेंड, मतलब यहाँ पे कोई बंदा आके गाड़ी चेक करेगा। वाओ ये क्या है, क्रेटोन A4 नाम है गाड़ी का, तो यहाँ पे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है क्या। ओ यहाँ से मैं इसका पेज चेक कर, ओ इसका सारा परफेक्ट रिपोर्ट है। ओके देखो सब कुछ यहाँ पे टिक है। ओके ये कस्टमर ने दिखाया और ये इसका एक्चुअल रिपोर्ट है, तो उसने जो दिखाया वो सब कुछ सही है वैसे। रिपोर्ट ओके ओके, तो ये इसका सही रिपोर्ट है, तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। तो ठीक है बार्गेन करके देखते हैं, 5000 में 4800 में मिलेगी क्या। ये अच्छी जाएगी आई थिंक गाड़ी, मत क्योंकि रिपोर्ट इसका ओके है। $4800 जस्ट मिनट, या ठीक है कार बिक चुकी है, आई मीन अभी हमने परचेस कर ली है, तो ये गाड़ी एटलीस्ट हमको कपल ऑफ बक्स यू नो बना के देगी। अभी गाड़ी का ऑन करते हैं, पुट इट ऑन सेल, सब कुछ डाल दिया मैंने, बाकी तो सब कुछ ठीक है। पेंटेड भी ये गाड़ी डर्टी, अबे अभी तो वॉश करके लेके आया मैं, इतनी जल्दी डर्टी भी हो गई, अबे क्या बकवास है। ठीक है मैंने कार को भी यहाँ पे डाल दिया सेल के लिए, देखते हैं कि कोई आता है कि नहीं, एंड तब तक के लिए काम करते हैं, वहाँ से जाके वो टिकट परचेस करते हैं। हमको टिकट परचेस करना होता है ऑक्शन के लिए। हेलो सर मुझे हिस्सा लेना है कार ऑक्शन में, टिकट बाय करना होता है, या मैंने टिकट बाय कर लिया $300 का, और अभी यहाँ पे थोड़ी देर में ऑक्शन शुरू हो जाएगा, तब तक के लिए वहाँ पे हमारा कार भी आई थिंक बिक जाएगा। एक कस्टमर भी आया वैसे, या जल्दी 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 जाके हमको उसको बेचना पड़ेगा कार को। उसके एटलीस्ट 10000 भी आ गए तो भी चलेगा मुझे, आई मीन यू नो हमारे पास फिर $17000 हो जाएंगे, तो हम अच्छे तरीके से फिर ऑक्शन में अगर कोई गाड़ी आई तो वहाँ पे उसको बाय कर सकते हैं। हेलो मैम काफ़ी बढ़िया गाड़ी, एकदम रापची गाड़ी है, क्या आप इसको बाय करना चाहेंगे। आई एम थिंकिंग द प्राइस विद इन नॉट विद इन माई बजट। ओ भाई 6000 बोल रही है, ओ नो $8100 ओ नो, वुड यू लाइक विलिंग टू बिट लोअर। नहीं यार मुझे नहीं लगता मुझे इसके 7000 से ऊपर पैसे मिलेंगे। मैंने एक सेकंड भाई, मैंने प्राइस कितना डाला है भाई, मैंने 19000 प्राइस डाला है। एक सेकेंड, ये 7000 देने को ही तैयार है, और वैसे गाइस ऑक्शन तो शुरू होने वाला है, तो एक काम करते हैं इसको 7500 में बेचे, इसको 7500 या ऑफर। कैन यू लोअर इट टू से, ओ भाई क्या कंजूस है, 7000 तो दे दे फिर, या ठीक है भाई गाड़ी बिक चुकी है। ओके लेट्स गो, $14000 आ गए, मतलब जितने में मैंने कितने में ली थी 5000, ठीक है मतलब $1200 का प्रॉफिट हो गया, और अभी ऑक्शन शुरू हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी ऑक्शन के लिए। आई एम सो एक्साइटेड टू सी कि ऑक्शन में कैसे सीन होता है। रुको भाई रुको, मेरे लिए मुझे नहीं लगता $14000 में कोई हमको गाड़ी मिलेगी यहाँ पे, बहुत सारे पैसे चाहिए होते भाई ऑक्शन के लिए, बट एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं ऑक्शन में पैसे लगाने का। या अभी कितना प्राइस चल रहा है भाई, 32000 यहाँ से हम लगा सकते हैं बोली, अगर बोली लगाई तो पैसे मुझे मिलेंगे ना वापस, अगर कार मतलब किसी दूसरे ने परचेस की तो आई डोंट नो। अभी ये तो भाई 10000 के आसपास कोई गाड़ी होगी तो हम इसको बाय कर पाएंगे। ये कोडा है बिक चुकी है, हाँ ये कितने में है, इसका बेस प्राइस कितना है, स्टार्टिंग प्राइस चिट्रॉन A4 है गाड़ी, इनिशियल वैल्यू 3000, या लगा सकते हम लोग दो, या वैभव में या ओ भाई मज़ा आ रहा है। अभी मेरे पास टोटल 14000 है, तो हम अच्छी खासी यहाँ पे लगा सकते हैं बोली। मैं तो $76 ही मतलब सबसे कम बोली लगाऊंगा मैं। अबे यार पाँच एटलीस्ट 7000 तक हम रख सकते हैं इसको।
चिट्रॉन ए फोर, मतलब अभी जो गाड़ी बेची है वही गाड़ी है। ओ भाई 5,000 चला गया ये। मोरा 76 और लगाते एंड सोल्ड। यस, कार को बाय कर लिया गाइज, लेट्स गो। आई मीन फर्स्ट टाइम ही गाड़ी को बाय कर लिया। ये अर्ना गाड़ी है, आई थिंक ऑडी की है, ऑडी RR। या इसके ऊपर तुम बोली नहीं लगा सकते, काफ़ी महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। तो हमने एटलीस्ट 5,000 रुपये में एक गाड़ी परचेज़ कर ली है। तो अभी देखते हैं कि अगर ऑक्शन की गाड़ी को बेचते हैं तो मतलब कितने पैसे मिलते हैं और ये सिस्टम कैसे होता है। अगर ऑक्शन से कोई गाड़ी लेती है तो मे भी वो ज़्यादा महंगी जाएगी। लेट्स गो गाइज, गाड़ी हमने परचेस कर लिया है, अभी इसको हम थोड़ा सा वॉशिंग करने के लिए लेके जाएंगे। अभी कार के अंदर एंटर तो कर ले, एक बार देखते चला के। ये मतलब वही सेम गाड़ी है जो अभी अभी मैंने बेची थी, हमने आई थिंक 4 में परचेस करी थी, ये 5,000 में हमने खरीदी है, मतलब लगभग सेम प्राइसिंग मिलता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अभी गाड़ी को सबसे पहले वॉशिंग करवाते हैं, वॉशिंग करवाने के बाद आई थिंक एटलीस्ट थोड़ा तो फ़र्क आता ही है। तो आते हैं सीधा वॉशिंग सेंटर में, गाड़ी को वॉश करवाते हैं। और रिपेयर करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं क्योंकि कार पहले से ही पूरी तरीके से रिपेयर्ड है। गाड़ी वॉश हो चुकी है, एंटर करते कार के अंदर और जल्दी से इसको लेके चलते हैं बेचने के लिए। देखते हैं ऑक्शन से अगर गाड़ी परचेस करते हैं तो कितने में जाती है। और फ्यूल डालने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, वैसे नहीं फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना फ्यूल चलेगा। मतलब यार फ्यूल भी हम लोग भरवाए, सब कुछ हम लोग करवाए, ये तो गलत बात है। ग्रीन ब्लू रेडी सही रहेगा आई थिंक, या पेंट कर दिया गाड़ी को, परफेक्ट। तो अभी कार पूरी रेड हो चुकी है। हाँ यार अभी सही लग रही है। तो अभी अभी जाके मैंने एकदम गाड़ी को परफेक्टली पेंट कर दिया है और अभी लेट्स सी ये कितने में जाती है। हमने इसको टोटल 5 में ख़रीदा है, थोड़े से पैसे स्पेंड कर दिए, तो 10-12 तो मिलनी चाहिए आई होप। फर्स्ट कस्टमर के पास आ चुका है और ये ऑक्शन वाली गाड़ी है, तो इसको देखने के लिए आई थिंक ज़्यादा लोग भी आएंगे और हमको अच्छा भाव भी मिलेगा। सो लेट्स इनसे बात करके देखते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? 12,000 आपको कैसा लग रहा है प्राइस? 7,000 देने को तैयार है। एक सेकेंड, मैं उस मैम से बात करके देखता हूँ, आप इधर ही रुको। हेलो मैम, हाउ आर यू? आप कितना प्राइस देना चाहोगे इस गाड़ी के लिए? काफ़ी अच्छा मस्त लाल कलर है। 7,500? ओ वैसे ठीक है, वैसे बाय प्राइस हमारा मतलब 600 स्पेंड करें हमने। यार नहीं, बार्गेन करते एटलीस्ट 9,000। हाउ अबाउट 9,000? नहीं, ये 800 मेरे को ज़्यादा नहीं देंगे। ये आखिरी कस्टमर रहेगा, अभी मुझे जो प्राइस मिलेगा उस प्राइस में इसको मैं बेच दूंगा। एंड नेक्स्ट वाले एपिसोड में, मतलब अभी मैं ऑफलाइन गेम को काफ़ी खेलने वाला हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। और एक और कस्टमर आ गया, तो टोटल 3 कस्टमर्स आ चुके हैं, इनसे बात करके देखते हैं। 8,000 तो बेस्ट प्राइस मिलना चाहिए। ओह $7,000, या बार्गेन करके 7,500 तक चला जाएगा। हेलो मैम, हाउ आर यू? ये वापस से आ गई वही बुढ़िया, कितना बोल रही है? ना 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 ना, ये आदमी सही लग रहा है फिर, तो इसे भी बार्गेन करके देखते हैं। कितना बोला था इसने? यार 7 बोला था इसने, तो 7 7,800 कैसा रहेगा? दैट्स अ गुड ऑफर आई थिंक, ले जाएगा आई थिंक ये। व्हाट आर यू नॉट इंटरेस्टेड? 7,500 फिर? $300 तो एटलीस्ट ज़्यादा मिलनी चाहिए। या कॉन्ग्रेचुलेशन, कार बिक चुकी है फाइनली, कार को मैंने बेच दिया। और गेमर्स अभी क्या हो रहा है बताएं, हम ना सस्ती गाड़ियों को बेच खरीद के बेच रहे, सो दैट से हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रहे। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में, अभी मैं गेम को मतलब ऑफलाइन खेलने वाला हूँ काफ़ी देर, तो हमारे पास जो ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम ज़्यादा महंगी गाड़ियों को बाय करने की कोशिश करेंगे, मतलब वो ऑक्शन में से और बाकी जो कस्टमर्स होते हैं कार मार्केट से वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही इनफ है, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हम वो और भी अच्छा प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गेमर्स।